नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 सितंबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एक दो दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। इधर गुरुवार रात करीब 8 बजे सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, वेणुगोपाल भी वहां मौजूद रहे। करीब एक घंटे चली बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, राजस्थान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से विस्तार से चर्चा हुई। हमारा मकसद है कि हम अगली बार भी राजस्थान में सरकार बनाएं, सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। सोनिया गांधी ने बड़ी ही शांति से मेरी बात सुनी। जयपुर में जो कुछ हुआ उस पर विस्तार से बात हुई। मैंने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं। जो भी निर्णय होगा वह पार्टी लेगी। 30 साल से राजस्थान में सरकार बनाने का 5-5 साल की परिपाटी बनी है। 2023 में सरकार कैसे रिपीट हो, उस उद्देश्य से काम करना है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई। फिर से राजस्थान में सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है, हमें साथ काम करना होगा। अजमेर जिले के केकड़ी के सरवाड़ थाना इलाके में पिपरोली धाकड़ान गांव के पास बागड़ियों की ढाणी में चार गांव में बनी पानी की नाड़ी में डूबने से भाई बहन सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। हादसे की सूचना के बाद सरवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को नाड़ी से बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार बागड़ियों की ढाणी निवासी 9 वर्षीय मोदी बागड़िया, 11 वर्षीय किस्मत बागड़िया और 11 वर्षीय राजेंद्र बागड़िया स्कूल से आने के बाद ढाणी के पास से ही चारागाह में बनी नाड़ी की पाल पर खेल रहे थे। इस दौरान खेलते खेलते तीनों बच्चे नाड़ी में डूब गए। भाई बहन की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय सुरेश बागड़िया के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हादसे में एक लड़की और एक लड़के की मौत हो गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 23 व 24 जुलाई को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम रीट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। रीट के मुख्य समन्वयक LN मंत्री और समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि रीट लेवल 1 की परीक्षा में 3,20,014 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,03,609 पात्र घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम 63.63% रहा। लेवल 2 की परीक्षा में 11,55,904 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 6,03,228 पात्र घोषित किए हैं। परीक्षा परिणाम 52.19% रहा। उल्लेखनीय है कि रीट 2022 की उत्तीर्ण पात्रता आजीवन रहेगी। रीट का रिजल्ट जारी होने से पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जनवरी में 40,500 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 1 साल पुराने रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामले में गिरफ्तारी के बाद ही आरोपी जेल में ही अपनी सजा काट रहा है। मामला गंगरार थाना क्षेत्र का था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 18 जून 2021 को थाना गंगरार में पीड़िता ने रिपोर्ट दी थी कि गांव में किराए के मकान में पीड़िता सो रही थी। उसका 4 वर्षीय बेटा टीवी देख रहा था। इस दौरान शंभू गोस्वामी अचानक कमरे में जबरदस्ती घुसा और जबरन रेप किया और गला दबाने की कोशिश की। आरोपी के भागने के बाद पीड़िता ने अपने पति को सूचना दी और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया था। न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने शंभू गिरी को 10 साल की साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बीकानेर जिले के खाजूवाला बीकानेर मार्ग पर 70 वर्षीय वृद्ध अपने दोहिते को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में एक टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। नाना दोहिता की गंभीर हालत में PBM अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन नाना की अस्पताल पहुंचने के साथ ही मौत हो गई। नाना दोहिता करीब आधा घंटे तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे और किसी ने संभाला तक नहीं। हादसा माधो डिग्गी के पास हुआ। खाजूवाला थाना पुलिस ने बताया कि हादसे में 70 वर्षीय हीराराम निवासी गाजियावाली 12 KJD की मौत हो गई तथा 25 वर्षीय प्रेम बावरी को PBM में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के द्वारा दोनों क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को कब्जे में लिया। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ की ठगी में 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिरों ने CGSH कार्ड जारी करवाने के नाम पर रकम हड़पी थी। इस खेल का मास्टरमाइंड CGSH डिपार्टमेंट ऑफिस से निलंबित कनिष्ठ लिपिक है। वह पिछले कई सालों से धोखाधड़ी का खेल चला रहा है।
फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि मामले में 26 वर्षीय शंभू निवासी सदर रोहतक हरियाणा हाल सेक्टर 7 विद्याधर नगर और 26 वर्षीय प्रदीप कुमार निवासी जेपी कॉलोनी सेक्टर 1 शास्त्री नगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंभू विद्याधर नगर सेक्टर 10 में सीजी SH डिपार्टमेंट ऑफिस से निलंबित कनिष्ठ लिपिक है। सेक्टर 10 विद्याधर नगर के कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। जांच में सामने आया कि CGSH कार्ड के जरिए 140 लोगों से धोखाधड़ी कर 1,50,00,000 का गबन करना सामने आया। पाली जिले के 100 से ज्यादा चोरी नकबसनी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय कंजर गैंग के लीडर सहित 8 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने पाली, राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित गुजरात, MP और UP में वारदातें करना स्वीकारी। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मिनी बस भी जब्त की। ESP बुगलाल मीना ने बताया कि जिले में बढ़ रही चोरी, लूट, वाहन चोरी, लूट जैसी घटनाओं को देखते हुए SP डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देशन में टीमें गठित की। मामले में CCTV फुटेज की मदद से चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू के लीडर सहित 8 आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने पाली जिले में करीब 35 चोरी नकबजने की वारदातें करना स्वीकारी। इसके साथ ही आरोपियों ने राजस्थान, MP और UP में कुल 100 से ज्यादा वारदातें करना स्वीकार किया। जयपुर के कोटपुतली में स्कूल बस से उतरते ही 5 साल की मासूम बच्ची तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गई। बस से उतर रहा भाई बहन की हालत देख सकते में आ गया। हादसा कोटपुतली के टीकरिया टोलडा रोड पर हुआ। हादसे का शिकार हुई बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्ची का 8 वर्षीय भाई भी उसी बस से उतर रहा था, वह बाल बाल बच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आगे पीछे देखे बिना ही ड्राइवर ने सड़क पर बस को रोककर बच्चों को उतार दिया। पावटा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि टोलडा ब्राह्मण की ढाणी सिंहावाली के रहने वाले चरण सिंह चौधरी की 5 वर्षीय बेटी इशिका ज्योति पब्लिक स्कूल तुलसीपुरा में पढ़ती है। वह नर्सरी की स्टूडेंट थी। घटना के बाद पिकअप ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। पिकअप बेकाबू होकर खंभे से टकरा गई। इसके बाद वह पिकअप को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। प्रदेश की 8 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श से कुलपतियों की नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में VC नियुक्त किए गए हैं। इनमें डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर बगदाराम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर अरुण कुमार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर अजीत कुमार को महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर बलराज सिंह को श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने प्रोफेसर रामसेवक दुबे को जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रोफेसर कैलाश सुधाणी को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया है।